हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे। ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा और इसके लिए हम पाइत्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे। यदि आप पाइत्रोस्की स्कोर के बारे में नहीं जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में इसको एक्सप्लेन करता चलूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि पाइत्रोस्की स्कोर की शुरुआत प्रोफेसर जोसेफ पाइत्रोस्की, जो कि अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने इस टूल की शुरुआत की और तब से आज तक सभी फंडामेंटल एनालिस्ट इसका यूज करते हैं। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और कंपनी को उनको फुलफिल करने पर पॉइंट्स मिलते हैं। कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स हासिल कर सकती है, लेकिन यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक स्ट्रांग फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। वहीं यदि कोई कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। लेकिन जो कंपनियां 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती हैं, हमें उनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड का हम इसको डिसाइड करेंगे कि वो कितनी स्ट्रांग है फंडामेंटली, और इसके लिए हम 9 क्राइटेरियाज का यूज करेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, जिसमें 4 क्राइटेरिया हैं, लीवरेज जिसमें 3 क्राइटेरिया हैं, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी जिसमें 2 क्राइटेरिया हैं। तो हम 3 राउंड करेंगे और उसके बाद में फ्रेंड्स, हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ऐड की है अपने वीडियोस में, वो है ग्रे एरियाज का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रे एरियाज एक ऐसी चीज है जहां पर हम ये पता कर सकते हैं कि कंपनी ने यदि कोई पॉइंट लूज किए हैं तो वो क्यों किए हैं, किस वजह से उसने अपने पॉइंट्स को लूज किया है। तो ये सारा हम डिस्कशन करेंगे अपने ग्रे एरिया वाले राउंड में। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और अभी आपके सामने हमारा डिस्क्लेमर आपको दिखाई दे रहा है, ये आप हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी देख सकते हैं। तो हम ये शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हम पहला राउंड लेंगे और जिसमें कि प्रॉफिटेबिलिटी कैटेगरी होगी। इसमें 4 क्राइटेरिया हैं। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 4 क्राइटेरिया हैं। इनमें जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है पॉजिटिव नेट इनकम। फ्रेंड्स, हमें अभी अपने करंट ईयर की यानी मार्च 2020 फाइनेंशियल ईयर का पॉजिटिव नेट इनकम देखना है। यदि कंपनी की इनकम नेट पॉजिटिव है तो हम कंपनी को एक पॉइंट देंगे। तो मैंने इनके डाटा को देखा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर 2 कॉलम है। पहला कॉलम है मार्च 2020 का और दूसरा कॉलम मार्च 2019 का। हमें मार्च 2020 के डाटा से मतलब है और हमने इसमें जाकर के देखा कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो एक पॉजिटिव फिगर है और वो है 1480.31 करोड़। तो हमने ये पाया कि कंपनी का ये पॉजिटिव नेट इनकम है और कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल कर लिया है, तो हम कंपनी को देते हैं एक पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्राइटेरिया, ये है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें ये चेक करना है कि जो रिटर्न ऑफ एसेट है कंपनी का वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि पॉजिटिव होगा तो कंपनी को एक पॉइंट मिलेगा। तो हमने चेक किया और हमने देखा कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है, जैसा आप इतनी स्क्रीन में देख रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में 5.06% है और ये एक पॉजिटिव फिगर है। तो हम यहाँ पर कंपनी को एक और पॉइंट देते हैं, क्योंकि इसने ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया की ओर। तीसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। हमें ये चेक करना है कि इसका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, जिसे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने इनकी वेबसाइट से जाकर के इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस डाउनलोड किया। चूंकि ये एक फाइनेंस कंपनी है, इसलिए जनरली इसमें जो इसका जो कैश फ्लो होगा वो नेगेटिव होगा, लेकिन हम उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। वो कैसे हम बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी इन्होंने लोन दिया होगा वो यहाँ पर होगा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो हम उसमें से जो हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ रहा है उसको डिटेक्ट करेंगे तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है, 5,564 करोड़ का इन्होंने लोन दिया है और जो अभी इनका नेगेटिव में कैश फ्लो आ रहा है 3,614, तो मैंने उसमें से उसको
डिडक्ट किया तो ये आ गया है, एक पॉजिटिव फिगर आएगा जो आएगा 1950। तो कंपनी ने एक पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट किया है जो कि 1950 है और ये एक पॉजिटिव फिगर, इसलिए कंपनी को मिलता है एक पॉइंट। अब हम आगे आते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में। चौथा क्राइटेरिया कह रहा है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम। फ्रेंड्स, ये क्राइटेरिया कहता है कि जो थर्ड क्राइटेरिया में पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो पहले क्राइटेरिया वाले पॉजिटिव नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि क्या है। हमने जैसे अभी अभी चेक किया कि इसका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 1950 करोड़ है और जबकि नेट इनकम वो है 1480 करोड़। तो यहाँ पर ये कंडीशन को फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है। ये रहा इसका नेट प्रॉफिट और हमने ऑलरेडी आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अभी बताया था 1950। तो यहाँ पर ये कंडीशन भी कंपनी ने फुलफिल कर लिया और कंपनी को एक और पॉइंट मिलता है। इस प्रकार से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में मिलते हैं 4 पॉइंट और हमारा पहला राउंड खत्म हो जाता है। हम कंपनी को पहले राउंड में देते हैं 4 पॉइंट्स और कंपनी का जो स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 4। तो मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड ने पहले राउंड में पाइथ्रोस की स्कोर में 4 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे राउंड में और ये राउंड है लीवरेज और लिक्विडिटी का, जिसमें 3 क्राइटेरिया हैं और 3 पॉइंट्स कंपनी हासिल कर सकती है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करेंट ईयर। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है करेंट ईयर में वो लोअर है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक वर्ड दिखाई दे रहा है लोअर, तो हमें अब ये देखना है कि राउंड 2 और 3 में हमें इस तरह के वर्ड दिखाई देंगे लोअर और हायर। हमें ये चेक करना है कि यदि कंपनी का लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो करेंट ईयर में प्रीवियस ईयर के अपेक्षा कम है तो हम कंपनी को एक पॉइंट देंगे। तो हम कंपैरिजन करेंगे 2019 से। हमने यहाँ पर चेक किया, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने देखा कि डेब्ट टू इक्विटी जो है वो कंपनी की मार्च 2019 में 3.38 थी जो कि इस बार बढ़कर के मार्च 2020 में 3.87 हो गई है। और इससे ये पता चला है कि कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया क्योंकि डेब्ट टू इक्विटी कम होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी बढ़ गया है। तो हम कंपनी को यहाँ पर 0 पॉइंट देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्राइटेरिया। अगला क्राइटेरिया है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर, यानी हमें देखना है कि जो करंट रेशियो है, करंट रेशियो मींस लिक्विडिटी, वो हमें देखना है कि क्या ये प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में बड़ी है। यदि बड़ी है तो हम कंपनी को देंगे 1 पॉइंट। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। मार्च 2019 में ये करंट रेशियो था, ये था 1.97 जबकि इस बार ये करंट रेशियो हो गया है 57.61। जबरदस्त इसमें उछाल आया है करंट रेशियो में। जनरली इतना करंट रेशियो होता नहीं है लेकिन शायद ईयर एंड पर इनका ये करंट रेशियो रहा हो। और जो भी है ये डाटा है तो यहाँ पर हमें इस पर बिलीव करना होगा। और इस प्रकार से हमने देखा कि ये करंट रेशियो इसका पॉजिटिव में है और हायर है लास्ट ईयर से, तो यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। अब हम आगे आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में। तीसरा क्राइटेरिया कहता है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। इसका मतलब है कि शेयर डाइल्यूट नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द ईयर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यदि कंपनी कोई इक्विटी शेयर्स इश्यू करती है तो इसका मतलब होता है कि कंपनी ने अपने इक्विटीज को डाइल्यूट किया है। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा और यदि कंपनी ने कोई फ्रेश इक्विटी इश्यू नहीं किया है तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हमें जस्ट इतना सा चेक करना है कि क्या कंपनी ने कोई नई इक्विटी इश्यू की है। तो हमने इनका कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज चेक किया और हमने इसमें बहुत सारे फिगर्स थे हमने इसमें चेक किया और देखा, तो हमें ये पता चला कि कहीं पर भी इन्होंने कोई फ्रेश इक्विटी इश्यू नहीं किया है। इससे ये पता चलता है कि इन्होंने अपने जो इक्विटी को डाइल्यूट नहीं किया है और यहाँ पर कंपनी को हम पूरा 1 पॉइंट देंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लीवरेज वाले जो कैटेगरी है इसमें कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट्स और हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। दूसरे राउंड में कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट्स और स्कोर हो जाता है कंपनी का 6। तो अब तक हमने 2 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब हमारे पास केवल 1 राउंड है जिसमें कि केवल 2 क्राइटेरिया है, यानी कंपनी मैक्सिमम 2 पॉइंट्स और हासिल कर सकती है। अभी तक कंपनी ने 6 पॉइंट्स हासिल किए हैं 7 पॉइंट्स में से। अब देखते हैं आगे क्या करती है। आगे की जो राउंड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का राउंड और इसमें जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो हायर ग्रॉस मार्जिन। हायर ग्रॉस मार्जिन का मतलब है
की कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी हम देखते हैं, ये ग्रॉस प्रॉफिट भी हम इसको कहते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि कंपनी का ये जो ग्रॉस मार्जिन है या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं और हमने इसके फिगर्स चेक किए। लास्ट टाइम इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो था 68.55, जबकि इस साल ये बढ़ करके 73.25 हो गया है और ये कंपनी के हक में जाता है क्योंकि कंपनी ने अपनी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया है और अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इस फ्रंट पे बढ़ाई है। तो हम यहाँ पर कंपनी को देते हैं एक पॉइंट और हम आगे चलते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी के दूसरे क्राइटेरिया में। ये कहता है कि हायर एसेट टर्नओवर रेशियो, यानी हमें ये चेक करना है कि जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए। एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि कंपनी ने अपने एसेट्स का भरपूर यूज किया है नहीं, और इसको हम कंपेयर करते हैं इसके रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो यहाँ पर हमने चेक किया कि क्या हुआ है, तो हमने देखा कि लास्ट टाइम इनका जो एसेट टर्नओवर रेशियो था वो था 20.12, जबकि इस साल ये कम हो गया है और ये हो गया है 18.87। तो यहाँ पर कमी आई है इसमें, जबकि ये बढ़ना चाहिए था यदि कंपनी को एक पॉइंट लेना था। तो हम ऐसी कंडीशन में कंपनी को देंगे 0 पॉइंट क्योंकि कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को 2 में से मिलता है 1 पॉइंट और हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट होता है। तीसरे राउंड में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और कंपनी का जो ओवरऑल पाइथ्रोस की स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 7। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने 2 पॉइंट्स लूज किए हैं, 1 पॉइंट इसने लीवरेज में और 1 पॉइंट ऑपरेशनल एफिशिएंसी में। तो हम ये देखेंगे कि कंपनी को वो कौन से ग्रे एरियाज हैं जिसको कंपनी इम्प्रूव कर सकती है और उसको करना चाहिए ताकि उसका आगे का फंडामेंटल ठीक रहे। तो यहाँ पर हम जाएंगे अपने ग्रे एरियाज में। हम आ गए अपने ग्रे एरियाज में और चेक करते हैं कि क्या है। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी ने 2 पॉइंट्स लूज किए हैं, लीवरेज में उसने 3 में से 2 पॉइंट्स लिए हैं और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में उसने केवल 1 पॉइंट लिया है 2 पॉइंट्स में से। तो हमें चेक करना है कि क्या होगा। हम अपने तीनों जो हमारे कैटेगरीज हैं उनको चेक करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम प्रॉफिटेबिलिटी। हमें मालूम है कि प्रॉफिटेबिलिटी में उसने 4 में से 4 पॉइंट्स अचीव किए हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन लीवरेज में उसने 1 पॉइंट लूज किया है और वो कौन सा पॉइंट है, वो उसने किया है लॉन्ग टर्म डेब्ट का पॉइंट। फ्रेंड्स, ऐसा है कि कंपनी ने अपनी जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ा ली है और ये लगभग 75% के करीब इंक्रीज हो गई है। आप ये अपनी डाटा में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो लाइबिलिटीज है वो 5916 थे। ये जो रेड बॉक्स आ रहा है उसके ऊपर वाली लाइन को आप पढ़िएगा, रेड बॉक्स जरा गलत जगह पर आ रहा है। तो ये 5916 से बढ़कर के 22721 हो गया है। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं कंपनी की, 75% के करीब बढ़ी हैं। इसलिए यहाँ पर कंपनी ने 1 पॉइंट लूज किया है और कंपनी को किस वजह से ये इनकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बढ़ी हैं, शायद आखिरी साल के अंत में कोई एडजस्टमेंट करना हो या साल के आखिरी में इन्होंने कोई लोन लिया है जो बाद में उन्होंने FY21 में उन्होंने उसको डिसबर्स कर दिया हो, क्या प्रॉब्लम है वो देखने पर ही पता चलेगी। लेकिन यहाँ पर इसकी वजह से कंपनी ने 1 पॉइंट लूज किया है और जो आखिरी पॉइंट उसने लूज किया है वो किया है ऑपरेशनल एफिशिएंसी में। कौन सा वो पॉइंट है ऑपरेशनल एफिशिएंसी में? ऑपरेशनल एफिशिएंसी में उसने एसेट टर्नओवर रेशियो में 1 पॉइंट लूज किया है और उसका जो रीजन था वो ये था कि इन्होंने अपने एसेट्स बढ़ाए हैं 29% से, जबकि इनकी सेल्स इंक्रीज हुई है केवल 25% से। मैं आपको डाटा दिखाता हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, इनका टोटल एसेट्स 20,454 से बढ़कर के 28,951 करोड़ हो गया है, यानी कि इसमें इंक्रीज हुआ है लगभग 29% का। लेकिन जो इनकी जो सेल हुई है वो 4,116 से बढ़कर के 5,465 करोड़ हो गई है, जो कि 25% है। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो 4% का डिफरेंस है उसकी वजह से कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो कम आया है और इसकी वजह से कंपनी ने 1 पॉइंट यहां पर लूज किया है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड का जो पाइथ्रोस की स्कोर है वो है 7, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ग्रे एरियाज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।